हेलो दोस्तों, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू क्रेप अप गेमिंग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्ले GTA 5 इन योर स्मार्टफोन। जी हाँ, GTA 5 अपने स्मार्टफोन में किस तरह से आप खेल सकते हैं, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है टॉपिक यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि संडे को आप लोगों के लिए एक सरप्राइज वीडियो है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिए आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ कि मेरे फोन में GTA 5 कितना सिंपली रन कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं वही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सिंपली मेरे फोन में GTA 5 रन कर रहा है, बिना किसी लैगिंग के, बिना किसी हैंगिंग के, एकदम स्मूथली रन कर रहा है इतना हैवी गेम। तो ये किस तरह से रन कर रहा है मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ, इसके पीछे का सच क्या है। कि मोस्टली क्या होता है कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं कि हाउ टू प्ले GTA 5 विद योर स्मार्टफोन एंड्रॉइड और iOS, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो इस तरह से फोन में प्ले करके दिखाते हैं। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि GTA 5 अभी तक किसी भी मोबाइल के या स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। रॉकस्टार गेम्स इस गेम के डेवलपर हैं, उन्होंने अभी तक इस गेम को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है और ना ही उनकी तरफ से अभी कोई रिपोर्ट है। जब भी ये गेम ऑफिशियली आएगा और किसी भी स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और रही बात कि मैंने किस तरह से GTA 5 अपने फोन में प्ले किया, तो वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, अब मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ कि मैंने अपने फोन में GTA 5 किस तरह से प्ले किया, वो सेम चीज किस तरह से YouTube पे जितनी भी वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर वो लोग किस तरह से प्ले करते हैं। तो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, आप वो देखते रहना। ये मैंने क्लिक किया फोल्डर पे, फोल्डर खुल चुका है GTA 5 का, और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। और देखो किस तरह से जो पीसी के अंदर गेम प्ले लोग करते हैं उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको फोन में डालने के बाद प्ले करके दिखा देते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग करने के बाद, सारी बटन सारी चीज लगाने के बाद, कि देखो GTA 5 प्ले हो गया। तो गाइस, मैंने आपको एक रियलिटी बताई है कि GTA 5 अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और रही बात कि कौन कौन से गेम GTA के अभी मोबाइल पे अवेलेबल हैं, तो वो मोस्टली सबको पता है कि GTA Vice City, GTA 3rd Anniversary और GTA San Andreas, ये तीन पार्ट अभी तक मोबाइल पर अवेलेबल है। अभी तक GTA 4 या GTA 5 कहीं से कहीं तक भी स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है। जब भी आएगा, जब भी कंपनी लॉन्च करेगी, जब भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आपको पहले से पता था या नहीं पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो ये सोचते हैं कि GTA 5 मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, प्ले हो जाता है, वो यूट्यूब के टॉपिक के चंगुल में आए हुए हैं। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका खुद का चैनल है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।